बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन 12.6, साइलेंडर्स एंड क्वाड्रिक सरफेसेस। वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट टू स्पेशल टाइप ऑफ सरफेसेस, प्लेन्स। इन सेक्शन 12.5 ये हमने प्लेन डिस्कस किए हैं, एंड स्फीयर्स इसको हमने डिस्कस किया था सेक्शन 12.1 में। हेयर वी इन्वेस्टिगेट टू अदर टाइप ऑफ सर्फेसिस, कौन सी हैं? साइलेंडर्स एंड क्वाड्रिक सर्फेसिस। इन ऑर्डर टू स्केच द ग्राफ ऑफ अ सर्फेस, इट इज़ यूजफुल टू डिटर्मिन द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्फेस विद प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। वो ये कहता है कि आप जो है वो सर्फेसिस को अगर आपने स्केच करना, चूँकि ये 3D होते हैं, कर्व्स 2D होते हैं, कैलकुलस 1 में हमने पढ़ा है, 2 में पढ़ा है, और सर्फेसिस यानी फॉर एग्जांपल जी इज़ इक्वल टू आपके पास जो है ये फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो इससे जो है ये 3D इन्वॉल्व हो गया और इसका जो ग्राफ होगा वो सर्फेस होगा। अब इसको जो सर्फेस है इसकी नेचर को समझने के लिए या इसको ड्रा करने के लिए वो कहता है कि बेहतर है कि आप जो है वो इसको मुख्तलिफ लोकेशंस में जो है वो इसको देखें, मुख्तलिफ प्लेन्स में देखें। मुख्तलिफ प्लेन से क्या मुराद है कि आप इसका अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास कोई फंक्शन है 3D में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है z इज़ इक्वल टू x² + y², तो इसमें एक डायमेंशन को अगर आप फिक्स कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल z को फिक्स कर दें या x को फिक्स कर दें या y को फिक्स कर दें, तो एक डायमेंशन को फिक्स कर देने का मतलब ये है कि आपने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली है और जो वहीं पे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप z को फिक्स कर देते हैं, z को आप 2 कर देते हैं, तो आपके सामने जो है वो क्या रह जाएगा, x² + y² दिस इज इक्वल टू 2। तो अब ये किस चीज़ की इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अब आप ये लोकेशन जो है वो मुख्तलिफ इंसर्ट करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट सर्कल जो है वो आते चले जाएंगे, या एक जैसे हों, जैसे भी हों, ये आगे ये बात जो मैंने ये आपको की है रफली, ये आगे एक्सप्लेन इसको डिटेल के साथ आएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें y को फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं, जो भी है, तो आपके पास जो वो बनेगा z इज इक्वल टू x² ये 2D इसके बनेंगे, यानी जिस लोकेशन पे आपने वहाँ पे फिक्स किया है y, वहाँ पे आप एक प्लेन डाल देंगे और उसमें आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास z इज इक्वल टू x² ये आपको क्या नज़र आएगा, ये पैराबोला नज़र आएगा। इसी तरह से z इज इक्वल टू x² + y में अगर आप x को फिक्स कर देते हैं यानी इसकी कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे प्लेन एक इंसर्ट करके जब आप स्केच करेंगे तो आपके पास जो है वो z इज इक्वल टू y², तो ये उस प्लेन में आपको जो है ये पैराबोला नज़र आएगा। तो ये क्या है, ये मैंने क्या बात की है, आपको अगर समझ नहीं आई, और उम्मीद है कि नहीं आई होगी, लेकिन जो मैंने बात बताई है इसको अगर आपने फॉलो कर लिया है, पकड़ लिया है कि ये बात कोई की है ऐसी, तो फिर आगे चल के जो है वो ये इसको क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले बहरहाल सिलेंडर की जो डेफिनेशन है, एक तो सिलेंडर वो जो हम कहते हैं कि सर्कल है, और सर्कल को जो है वो एक दूसरे के ऊपर सर्कल रखे हुए हैं बहुत सारे, तो आपके पास जैसे चूड़ी है, रिंग जो कलाई में डालते हैं फीमेल, तो अगर ये आप एक रिंग को दूसरी तीसरी और एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं, तो आपके पास जो शेप बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन है जो हम जानते हैं, आपको भी यकीनन उसका पता होगा, और यहाँ पे जो सिलेंडर की डेफिनेशन लिखी है दैट इज़ समथिंग सम डिफरेंट देन दैट। तो ये क्या लिखा है इसने, हम इसको देखते हैं। A cylinder is a surface that consists of all lines called rulings that are parallel to a given line and pass through a given plane curve.
अब इसको जो एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ये कैसे किया है, कहता है फॉर एग्जांपल आप ये एक ज़रा स्केच करें, स्केच द ग्राफ ऑफ द सरफेस जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो अभी ऊपर बात हुई है ये मैं आगे इसका ग्राफ देख के ये फिर मैं आपको बताता हूँ। नोटिस दैट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डजेंट इन्वॉल्व वाई। अब इसमें क्या है, वाई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में अगर आप जो है वो बात कर रहे हैं, अगर तो 2 डायमेंशन में है तो ज़ाहिर एक जेड एक्स प्लेन बनेगी, एक्स इनपुट हो जाएगा और जी जो है वो आउटपुट हो जाएगा। और अगर आपका जो है ये ग्राफ आप कहते हैं नहीं ये 2 डायमेंशन में तो नहीं है बल्कि ये 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में आने का मतलब ये है कि फिर जो है वो जी की वैल्यू अगर आप नहीं बता रहे तो फिर जी की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है ये जी की वैल्यू होगी, या फिर आप स्पेसिफाई कर दें। अब क्या होगा अगर जी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सॉरी ये मैं जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की मैं बात करना चाह रहा था, ये वाई की जो जो ये गायब है, वाई की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक नज़र आ रहा है, सरफेस नज़र आ रही है। अब आप ज़रा इसको देखें तो ये जो एज जा रहा है, ये जो ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एज, ये कैसा है, ये पैराबोलिक नहीं है, दिस इज़ पैराबोला। और ये किसके पैरेलल, कौन से प्लेन के पैरेलल आपको नज़र आ रहा है, ये पैरेलल नज़र आ रहा है एक्स और जी प्लेन के, ठीक है। किस प्लेन के पैरेलल नज़र आ रहा है, जी एक्स प्लेन के। अब जैसे ये मैंने बात की थी कि एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते चले जाएं तो आपके पास जो है ये सिलेंडर बनता है, तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है जिसको आपने ड्रा किया है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं और दोनों साइड पे इसको एक्सपेंड करें, तो आप कहेंगे कि जी जो है वो फिर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो जी का आपका जो है वो ये वाला रीजन बनेगा, तो जी विल बी लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सिलेंडर बन जाएगा। इसी तरह से आप पैराबोला के ऊपर जो है वो पैराबोला रखते चले जाएं, ये पैराबोला के ऊपर क्या रख दिया आपने, और इन ये जो जी एक्स प्लेन है इसके पैरेलल जो है ये आप यहाँ से कट लगाते चले जाएं, तो आपके सामने जो है वो क्या आएगा, आपके सामने एक पैराबोलाज का जो है वो ढेर लग जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाएं तो आपका सिलेंडर बन जाता है, और फिर उनको आप हटा दें, अगर उनको डिस्टर्ब कर दें इन रिंग्स को, यानी आप फैला दें, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे। तो ये भी इसी तरह से है कि ये बहुत सारे पैराबोलाज यूँ समझ लें कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है वो क्या है, जाइन है, तो ये आपके पास ये एक सरफेस बन रही है। अच्छा, अब उम्मीद है कि ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। तो दिस मीन्स दैट, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट एनी वर्टिकल प्लेन विद इक्वेशन वाई इज इक्वल टू के, अब ये प्लेन की इक्वेशन बता रहे हैं कि जिस लोकेशन पे आप वाई फिक्स करेंगे तो उस लोकेशन के ऊपर आप प्लेन इंसर्ट कर देंगे, यानी अब ये जो फ्रंट वाला आपके पास ये जो पैराबोला सा ये नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिर है यहाँ पे कोई ना कोई वाई की वैल्यू है ना, यहाँ पे तो वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप उस वाई की वैल्यू के ऊपर जो है वो एक प्लेन खड़ी कर दें, और आप कहें कि उस प्लेन में क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है। छुरी चलाएं, जैसे आप वो जब छुरी चलाएंगे तो उस पे कैसे आएगी, प्लेन में आएगी ना, वो किसी न किसी प्लेन को फॉलो करोगे अगर आप इसको सीधा वर्टिकली उसको करते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ प्लेन्स जो है वो लोकेशंस वाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेन्स को डिटरमिन करती चली जाएंगी, और उनमें वो ये जो ट्रेसेस बनेंगे, यानी ये जो आपके सामने ये जो काटने से जो सामने व्यू बनेगा वो क्या बनेगा, हर जगह पे पैराबोला का बनेगा।
मिसाल के तौर पे आपके पास एग है और आप छुरी लेके यहाँ से काटना शुरू कर दें तो क्या बनेगा? कहीं से पीस बड़ा होगा, कहीं से छोटा होगा, कहीं पे कैसा होगा, कहीं पे, ठीक है, समझ आ रही है? तो ये जो छुरी चलाना है, आप यूँ समझ लें आप ये किसी प्लेन में आप बना रहे हैं। अब जब इस एग को आप काटेंगे और इस साइड से आप उसका व्यू लेंगे तो क्या होगा? वो आपको या तो इलिप्टिक नज़र आ रहा होगा या आपको वो सर्कुलर नज़र आ रहा होगा। अगर शुरू में थोड़ा सा काटा है तो छोटे सर्कल होंगे, और अगर ज़्यादा आगे से काटा है तो बड़े सर्कल होंगे, और ज़्यादा आगे से काटा है तो छोटे होंगे, और फिर एक वक्त आएगा फिर वो बड़े से फिर वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे जब एग के दूसरी साइड पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बातें की हैं इसको थोड़ा सा अपने जहन में इसका व्यू बनाने की कोशिश करें, और अगर ये बन जाए तो फिर इसमें जो है वो कोई भी नई बात नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, सो दैट द वर्टिकल ट्रेसेस आर पैराबोलाज, फिगर वन शोज हाउ द ग्राफ इज फॉर्मड बाई टेकिंग द पैराबोला जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द एक्स जी प्लेन एंड मूविंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। यानी वाई को हमने क्या किया है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया। ये मैं बात बार 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 इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये पक्की हो जाए, क्योंकि फिर आगे तो फिर हर वक्त बात हम नहीं कर सकते। द ग्राफ इज अ सरफेस। अब इसका ग्राफ कैसे कैसे कि आपने मुख्तलिफ पैराबोलाज एक दूसरे के ऊपर रखते गए हैं तो आपके पास जो है ये सरफेस बन गई है। तो दिस ग्राफ इज अ सरफेस कॉल्ड अ पैराबोलिक सिलेंडर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मैनी शिफ्टेड कॉपीज ऑफ द सेम पैराबोला। एक पैराबोला, फिर आगे दूसरा वही रख दिया, तीसरा वगैरह वगैरह। हेयर द रूलिंग ऑफ द सिलेंडर आर पैरेलल टू द वाई एक्सेस, ठीक है। अब उसने जो बात ऊपर की थी वो ये जो लाइंस वाली, तो इसको भी ज़रा देख लें दोबारा से। अ सिलेंडर इज अ सरफेस, कौन सी सरफेस, इस केस में ये वाली सरफेस, दैट कंटेन्स ऑफ ऑल लाइन्स कॉल्ड रूलिंग्स दैट आर पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू गिवन प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व है, ये जो पैराबोला है, और एक इस इनके अंदर से लाइंस पास कर रही हैं, इन प्लेन कर्व्स के अंदर से क्या कर रही हैं, लाइंस पास कर रही हैं, और दे आर पैरेलल टू सम लाइन। तो ये लाइन फिर किसके पैरेलल हैं, ये वाई एक्सेस के पैरेलल हैं। जाहिर है वाई एक्सेस भी एक लाइन ही है, तो इसके ये पैरेलल हैं। तो बहरहाल ये डेफिनेशन एज इट इज़, इसको कोई याद करने की या रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन अल्फाज को, इन वर्ड्स को हमने किसी जगह पे यूज़ नहीं करना, और ये डेफिनेशन भी मेरा ख्याल है कि कहीं आगे यूज़ नहीं होगी। लेकिन जितनी बातें मैंने इसको समझाने के लिए की हैं वो आपने जो है वो ज़रूर अपने पास जो है वो उसको नोट करना है, और अगर दोबारा से ये वीडियो रिवाइंड करके आपको जाना पड़ता है समझने के लिए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई समझ ना आए तो पूछिएगा। अब हम आते हैं, ये जो अभी हमने ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट बनाने की कोशिश की है, अब देखते हैं कि उसके तहत हम ये जो एग्जांपल नंबर 2 में क्वेश्चन है पार्ट ए में और फिर पार्ट बी में, ये क्या है। तो देखें, ये सर्कल है अगर आप 2D की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, सिलेंडर है अगर आप 3D की बात कर रहे हैं। कैसे सिलेंडर है, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये कैसे लेता है, एक्सक्यूज मी, किताब वाला जो लेता है एक्सेस, वो ऐसे लेता है कि इसको एक्स लेता है, इसको वाई लेता है, और ये इस वाले को जी लेता है। तो अब एक्स वाई में एक सर्कल पड़ा हुआ है, और एक्स वाई प्लेन में एक, सॉरी, इसको ड्रा करना है, दोबारा मैं बनाता हूँ, इसमें एक सर्कल पड़ा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है।
तो ऐसे सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर जो है वो सर्कल पड़े हुए हैं, ऊपर वाली साइड पे भी, नेगेटिव वाली साइड पे भी, तो ये आपके पास जो है ये सिलेंडर बनता है। तो फिर ये ए पार्ट में जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर जहन में रख लें टू डायमेंशन में है तो सर्कल है, थ्री डायमेंशन में है तो इसके साथ एक चीज़ मिसिंग है जो कि होनी चाहिए, नहीं लिखते इसलिए कि ये अंडरस्टूड है, तीन डायमेंशन है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन इज़ अ सर्कल एंड इसमें जो जी डायमेंशन है वो क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इक्वालिटी नहीं आती इसमें, इनफाइनाइट हो तो दोबारा लिख लेते हैं, जी इज़ लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। अब इसका स्केच स्केच दिया हुआ है किताब वाले ने, देख लेते हैं, ये स्केच है फिगर टू में, इसका ये स्केच मौजूद है। एक्स वाई प्लेन में सर्कल है और चूंकि जी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो ये ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी, उसने नहीं बनाया लेकिन नीचे वाली साइड पे भी ये इसी तरह से सरफेस जो है एक्सटेंड होती चली जाएगी, तो इसको आप जो है वो क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। इसी तरह से ये आगे फिगर थ्री है, पता नहीं ये इन्होंने कैसे बनाया है, एक पैच सा बना हुआ है, ये शायद मिस्टेक है या प्रिंट में कोई मिस्टेक है, ये कैसे है, ये भी सिलेंडर है, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू वन, कैसा सिलेंडर है ये देखें, इधर आ जाए, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू वन, इसी के ऊपर बना लेते हैं। वाई स्केयर प्लस जी स्केयर कौन से वाले उसमें ये होगा, प्लेन में, वाई जी प्लेन में ये सर्कल है, तो वाई जी प्लेन में सर्कल है तो ये वाई जी प्लेन में सर्कल आ गया, ठीक है। और एक्स जो है फिर वो इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में, और एक दूसरे के ऊपर आप सर्कल रखते हुए चले आएंगे तो ये आपके पास सिलेंडर बन जाएगा। और ये सिलेंडर फिर कैसा हुआ, आप डायरेक्शन देख लेना, एक्स डायरेक्शन में ये होगा, और इस तरह से ये बनेगा कि जैसे ये सिलेंडर खड़ा हुआ है इसको जी डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो फिर ये सिलेंडर क्या होगा, यही वाला लेटा हुआ होगा एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक हो गया। तो इसको भी हमने एग्जांपल नंबर टू को भी हमने देख लिया, और अब यहाँ पे इसको पढ़ भी लें, सिंस जी इज मिसिंग एंड द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन एंड जी इज इक्वल टू के, यानी जी जो है वो फिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल जी इज इक्वल टू आप जीरो ले लें, तो फिर क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर सर्कल पड़ा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ये हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये जी इज इक्वल टू के का क्या मतलब है कि जी इज इक्वल टू जीरो लिया तो ओरिजिन पे हो गया सिलेंडर, जी इज इक्वल टू अगला पॉइंट लिया, जाहिर है रियल नंबर्स हैं, जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, सारे रियल नंबर हैं और रियल नंबर इन्फाइनाइट में नहीं है, सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएंगे, सर्कल एक दूसरे के साथ जॉइन होते हुए जो है वो सिलेंडर बना के हट जाएंगे। चलें, इसके ऊपर मैं मज़ीद बात नहीं करता, अब आगे चलते हैं, जितना मैंने बताया है इसी को वो आप फॉलो करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें। क्वाड्रिक सरफेस, सिलेंडर की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, क्वाड्रिक सरफेस क्या है, अब गलती नहीं करनी, क्वाड्रेटिक ना पढ़ लेना, क्वाड्रिक सरफेस, अ क्वाड्रिक सरफेस इज द ग्राफ ऑफ अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिक सरफेस। मिसाल के तौर पे जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है, दिस इज क्वाड्रिक सरफेस। तो तीन वेरिएबल्स में जो है वो द मोस्ट जनरल सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री इक्वेशन, अ क्वाड्रिक सरफेस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री, ये हमने बात, द मोस्ट जनरल सच इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जी स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, एक्स वाई का वाई जी का, ये ए बी सी कांस्टेंट्स हैं, एक्स जी का, और फिर अकेला जी वाली सॉरी अकेली एक्स वाली टर्म आ सकती है, अकेली वाई वाली, अकेली जी वाली और कांस्टेंट टर्म भी अकेली आ सकती है, तो ये मोस्ट जनरल ये है।
और इसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाएं तो मसला नहीं है। जैसे मैंने अभी लिखा है जी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट ए जो है वो 1 है और वाई का कोएफिशिएंट बी जो है वो भी 1 है और जी का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे जी कहाँ है, आई जी, ये जी का कोएफिशिएंट आई ये -1 है क्योंकि जी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -जी बन जाएगा, तो ये -जी है। और बाकी सारे कोएफिशिएंट जो हैं वो सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, जे है, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये 0 हो जाएंगे। फिर ए बी सी ये कांस्टेंट्स हैं, ये मैंने बता दिए, बट बाई ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इट कैन बी ब्रॉट इन टू वन ऑफ द टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनको जो है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये आपने एफ एस सी में हो सकता है पढ़ा हो, मेरा ख्याल है अभी होता है उसमें, बहरहाल है या नहीं है, इनको जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्म में, तो ठीक है किया जा सकता है तो ठीक है कर लेंगे। यानी इस वक्त हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। आगे क्वाड्रेटिक सरफेसेस आर द काउंटर पार्ट इन थ्री डायमेंशंस ऑफ द कॉनिक सेक्शन इन द प्लेन। फॉर अ रिव्यू ऑफ कॉनिक सेक्शन, यानी उसका जो है वो हिस्सा है, क्वाड्रेटिक सरफेसेस जो हैं वो क्या हैं, काउंटर पार्ट्स हिस्सा हैं उसका कॉनिक सेक्शन का, और रिव्यू के लिए वो कहता है कि वहाँ पे चले जाएं। अब है एग्जांपल नंबर 3, यूज ट्रेसेस टू स्केच द क्वाड्रिक सरफेस विद इक्वेशन। अब देखें ये इक्वेशन कैसी होगी, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर ओवर 1 कर लें थोड़ी देर के लिए, तो देखें ये अगर आप इसको इस पोर्शन को देखें एक्स और वाई वाली टर्म को, और इसको थोड़ी देर के लिए काट दें, उड़ा दें, अभी मैंने बात की थी ना फिक्स कर दें जी को, जी इज़ इक्वल टू 0 कर दें फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये एक इलिप्स बन रही है जिसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, और जाहिर है वो सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, ये एक इलिप्स बन रही है। अगर आप वाई और जी को देखें और एक्स को फिक्स कर दें, तो इसका मतलब ये भी अब आपको इलिप्स नज़र आ रही है, और अगर आप वाई को फिक्स कर दें और बाकी चीज़ को देखें तो ये भी इलिप्स नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये जिस चीज़ का ग्राफ है, ये सामने ग्राफ ये इधर बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्राफ, अब ये जिस चीज़ का ग्राफ है आप इसको किसी भी साइड से खड़े होकर देखेंगे, चाहे वाई डायरेक्शन से यानी फिक्स कर लेना यहाँ से काट दें बेशक इसको, या जी डायरेक्शन से या एक्स डायरेक्शन से, ये हर साइड से आपको क्या नज़र आएगी, ये इलिप्स नज़र आएगी। अब छुरी उठाएं और काटना शुरू कर दें, ये लें, ये मैंने काटना शुरू कर दिया, ये काटना शुरू कर दें, तो ये आपके पास क्या बनेंगी, इलिप्सेस बनेंगी। और कैसी इलिप्सेस बनेंगी, चूँकि आपकी इलिप्स जो है वो इसमें वाई डायरेक्शन में आपने काटा है, तो इसका मतलब है वाई के अलांग जो है वो आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, वाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर आप उनको काट रहे हैं, तो आप देख लें कि एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ वाई यू विल गेट डिफरेंट साइज ऑफ इलिप्स, यानी वो बड़े साइज़ की हो सकती है, छोटे की हो सकती है, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने कौन सा लिया है, वाई को फिक्स किया ना, वाई को फिक्स किया तो वो इस इक्वेशन में हो रहा है वाई को फिक्स, तो अब आप देखें वाई को अब आप फिक्स करें, फिक्स करने से क्या मुराद है, ये मैं काटने के हवाले से कह रहा था कि एक दफ़ा आपने फ़िक्स किया काटा, फिर दूसरी दफ़ा और वैल्यू ली काटा, और फिर और वैल्यू ली काटा, तो फिर वो मुख्तलिफ साइजेज आते जाएंगे, तो उसने फिर क्या किया है, कैसे किया है, उसने ये किया है कि ये जो असल इक्वेशन थी उसमें जो वाई वाला पोर्शन है इसको दूसरी साइड पे ले गया, और फिर उसने कहा है कि इसमें वाई की जगह पे आप क्या कर दें, के लिख दें, और के की फिर ये रेंज भी है -3 से 3
ये चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ओवरऑल, ये लिप्स के लिए ज़रूरी है ना कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये उसकी उसने रेंज लिख दी है। और आप इसमें वो जो जी सॉरी वाई की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी जो उसने के की शक्ल में लिख दी हैं, तो आप ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालते जाएँ तो आप देखें कि ये राइट हैंड साइड फॉर डिफरेंट के यू विल गेट डिफरेंट राइट हैंड साइड एंड अल्टीमेटली यू विल गेट डिफरेंट इलिप्स, कि आपकी इलिप्स जो है वो क्या होगी डिफरेंट साइज़ की होगी। तो अब ये आपको यहाँ से जो ग्राफ है वहाँ से भी आपको ये फॉलो हो गया कि जैसे जैसे आप ये इसको काटते जाएंगे तो आपके जो इलिप्सेस हैं वो मुख्तलिफ शेप्स की वो आती चली जाएंगी। इसी तरह से अगर आप जी को फिक्स करते हैं तो ठीक है, जी वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे बहरहाल आपके पास जो है वो ये जो चीज़ बन रही है ये आपकी एलिप्स को शो करेगी। और कौन सी प्लेन में होगी? एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन कौन सी है? ये एक्स वाई प्लेन पड़ी हुई है। और ये इसको मैं ज़रा ज़ूम करता हूँ, आपको ये नज़र आ रही होगी, ये एज आपको ब्लू वाला ये नज़र आ रहा होगा। तो ठीक है, इस डायरेक्शन में काटना शुरू कर दें तो आपके पास जो है वो क्या होंगी मुख्तलिफ साइज़ की इलिप्स जो है वो बनती हुई चलती जाएंगी। इसको मैं और ज़ूम करता हूँ तो अब आप देखें कि उसने कैसे आपको यह दिखाया हुआ है, ये वाले भी दिखाया हुआ है इस डायरेक्शन में कैसे इलिप्सेस बनेंगी, एक उसने बना के दिखाया है, और ये जो दूसरी डायरेक्शन में मैंने बना के दिखाया है उसमें ये देखें ये इलिप्सेस बना के दिखा रहा है। उसने तीन एज लिए हैं, मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, तो ये आप इसको देखें ज़रा, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी यकीनन मौजूद है उसमें इसको जूम करके देख लें तो ये आपको जो है ये इलिप्सेस नज़र आ रही हैं। इसी तरह से जो तीसरा डायमेंशन है कौन कौन से हो गए, ये जी एक्स प्लेन हो गया ये वाला, और ये वाला एक्स वाई प्लेन, और एक वाई जी प्लेन भी है। तो वाई जी प्लेन जो है वो उसमें एक्स डायरेक्शन से आप जो है वो काटना शुरू करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन से काटने का क्या मतलब है, ये इस साइड से आप जो है वो छुरी लेके और ये पहले फ्रंट और इस तरह से बैक और फिर इस तरह से उस डायरेक्शन में आप काटते चले जाएंगे एक्स डायरेक्शन में। तो ये सारी की सारी जो है आपको हर तरफ से वो क्या मिलेगी, इलिप्स मिलेगी। और इस सरफेस को जो है वो क्या नाम देते हैं कि हर साइड से वो इलिप्स आपको नज़र आए, तो उसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एन इलिप्सॉइड। ये जो इक्वेशन दी गई है आपको, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इलिप्सॉइड की, दिस इज इलिप्सॉइड, हर साइड से इलिप्स है। फिर इसी तरह से एग्जांपल नंबर फोर है, और एग्जांपल नंबर फोर में अब आप देखें कि जी को फिक्स करें तो क्या बनेगा, ये आपके सर्कल नज़र आएंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, सर्कल नज़र आएंगे, सर्कल बने। जी इज इक्वल टू वन ने सर्कल, जी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो भी सर्कल, ज़ीरो रेडियस का सर्कल यानी पॉइंट हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि जब आप जी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जी डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी जी के मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप लेते जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या आएगा, सर्कुलर नज़र आएगा। और आके देखते हैं इसको क्या वाकई ऐसा है, ये लें जी, जी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं अपर डायरेक्शन में, तो देखें पॉइंट ज़ीरो ओरिजिन से ये शुरू हो रहा है, पॉइंट से शुरू हो रहा है, और पॉइंट के ऊपर मैंने कहा है आपको कि जहाँ पे जी ज़ीरो है वो वहाँ पे पॉइंट है, रेडियस ज़ीरो है ना, ज़ीरो रेडियस का बन जाता है। ये जी ज़ीरो पुट करें इसमें तो ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी विद ज़ीरो रेडियस, तो ज़ीरो रेडियस जो है वो पॉइंट का होता है। और फिर जब जी की पॉजिटिव वैल्यूज़ आप लेते चले जाएंगे तो वो फिर क्या होगा, सर्कल जो है रेडियस, ये देखें ना यहाँ पे जी की वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाएं, इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है ना, तो आर स्क्वायर इस वक्त जी के इक्वल है, तो जी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेते जाएँ इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर की वैल्यूज़ वो मुख्तलिफ आप लेते जा रहे हैं, यानी रेडियस जो है वो आप डिफरेंट लेते जा रहे हैं। तो फिर आपके पास रेडियस डिफरेंट होने का क्या मतलब है, ये मतलब है पॉइंट से शुरू होंगे और इधर से
सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं, और वो सर्कल ऐसे हैं कि उनका रेडियस भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये पॉजिटिव साइड पे है, इसी तरह नेगेटिव साइड भी अगर उसमें शामिल हो तो फिर वो भी उसी तरह से आ। अच्छा, अब ये तो हमने इसको देखा है कि अगर ये जी डायरेक्शन को फिक्स करते हैं तो फिर क्या है इसमें, और अगर आप एक्स डायरेक्शन को फिक्स करते हैं तो फिर क्या होगा। एक्स को फिक्स करें, फॉर एग्जांपल ये है ही नहीं, या वन ले लें या ज़ीरो ले लें थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक्स डायरेक्शन से एंटर हो रहे हैं और सामने जी वाई प्लेन होगी, और जी वाई प्लेन में देखें जी इज इक्वल टू वाई स्केयर जो है वो क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू वाई स्केयर, दिस इज पैराबोला, आ जाए जी इज इक्वल मतलब जी वाई प्लेन में, ये है जी वाई प्लेन, और एक्स डायरेक्शन से आपने एंटर होना है, ये एंटर हो गए, और इसको आप जो है वो कट लगाएं इस प्लेन के पैरेलल, वाई जी प्लेन के पैरेलल, यानी आप यहाँ से ये जो एज है यहाँ से आप इसको क्या करें काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, प्याला है ना, प्याले को काट दें सेंटर से इस तरह से, जैसे मैंने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में काट दें, तो जो एज होगा वो आपका कैसा होगा, पैराबोला नज़र आ रहा होगा, कैसा नज़र आ रहा होगा, पैराबोलिक नज़र आ रहा होगा, काट के देख लें बेशक। प्याले को, तरबूज है ना, तरबूज, तरबूज को पहले आधा काट लें, ये जैसे ये बना, ये ऐसे प्याला नुमा बन जाएगा, ये खाली है वो भरा हुआ होगा, ठीक है, और फिर उस तरबूज को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में काटेंगे तो जो सामने एज आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। और इसी तरह से फिर जब आप वाई डायरेक्शन से एंटर होंगे तो इधर से भी वही जो है वो पैराबोला ही नज़र आएगा, तो वाई डायरेक्शन से एंटर होकर देख लें, वाई डायरेक्शन से एंटर होने का क्या मतलब है कि हाँ, वाई डायरेक्शन से एंटर होने का मतलब ये कि एक्स को फिक्स किया था, और अगर आपने एक्स डायरेक्शन से एंटर होना है तो फिर आप वाई को फिक्स करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जी इज इक्वल टू 4x के, यानी आप चाहे एक्स डायरेक्शन से एंटर हो रहे हैं या वाई डायरेक्शन, यानी एक को फिक्स कर रहे हैं दूसरे को नहीं, तो ये आपका पैराबोला है, जी इज इक्वल टू 4x2, ये भी पैराबोला, एक्स को फिक्स कर दिया है, या फिर जी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये भी पैराबोला है और एक्स को फिक्स कर दिया है। ये हो सकता है मैं इसमें थोड़ा उलट बोल गया हूँ, लेकिन बहरहाल आप जी वाली साइड से एंटर हों या वाई वाली साइड से, दोनों साइड से ये पैराबोला है, और अगर आप जी डायरेक्शन से जो है वो एंटर होते हैं तो फिर ये जो है वो आपको सर्कल नज़र आएंगे, ये बात हो गई ऑलरेडी। तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो वही है जो मैंने बता दिया, इसमें और कोई बात नहीं है। स्लाइस का क्या मतलब है, ऐसे पीसेस करते जाएं, जैसे मैंने वो कहा था रिंग एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं, तो वो स्लाइसेस ही होते हैं ना सर्कल्स के। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिक पैराबोलाइड, यानी एक साइड पे जो है वो एलिप्स है, सॉरी ये मैं इसको सर्कल कह गया था, अगर आपके पास जी को हम फिक्स करते हैं तो मैं इसको सर्कल कह गया था, ये सर्कल नहीं है ये एलिप्स है, अगर ये 4 आ जाता यहाँ, यहाँ पे 4 की जगह पे 1 होता तो फिर ये सर्कल था, और यानी कहने का मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्स का कोफिशेंट और वाई का कोफिशेंट सेम हो जाए तो फिर ये सर्कल होता है, यानी यहाँ पे 4 है तो फिर यहाँ पे भी 4 आ जाए, या यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाए, फिर दूसरा क्या है ये अदरवाइज ये क्या है, इलिप्स है, तो 0 रेडियस की इलिप्स, जो जब जी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 रेडियस की इलिप्स। तो अब ये किस तरह से फिर ये बना कि एक्स डायरेक्शन से पैराबोला, वाई डायरेक्शन से पैराबोला, और जी डायरेक्शन से क्या है इलिप्स है, यानी ये जो बन रहे हैं ट्रेसेस ये क्या है, इलिप्स है, ठीक है, सर्कुलर भी हो सकते हैं, अगर आप इसको यूं समझ लें कि मैंने फॉर एग्जांपल ये डिस्कस कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी, आप यूं समझ लें कि ये मैंने इसके लिए डिस्कस कर दिया सारा,
तो अब ये सर्कल की इक्वेशन है, अगर जी को आप फिक्स करते हैं तो बहरहाल इसको हम क्या कहते हैं, इलिप्टिक पैराबोलाइड। इस तरह से एग्जांपल नंबर 5 है, तो एग्जांपल नंबर 5 में ये उसने उसके ट्रेसेस बनाए हुए हैं। आप इसको बस इस नज़र से देखें कि क्या होगा कि जब आप एक्स को फिक्स करते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ ज़रा, जब आप एक्स को फिक्स करेंगे तो जी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो वाई जी प्लेन में ये आपको पैराबोला नज़र आएंगे। और अगर आप वाई को फिक्स करते हैं तो आपको जी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो जी एक्स प्लेन में ही आपको स्टिल पैराबोला नज़र आएंगे, लेकिन इन्वर्टेड पैराबोलाज, उल्टे पैराबोलाज ये वाले, क्योंकि नेगेटिव आ गया उसके साथ, एक्स के साथ। और अगर आप तीसरे को फिक्स करते हैं यानी जी को फिक्स करते हैं तो फिर क्या होगा, जी की वैल्यूज़ जो भी आती जाएंगी तो ये आपको हाइपरबोला जो है ये आपको देंगे एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जो है आपके सामने क्या है, ये हाइपरबोलाज हैं। अब इनको वो कंबाइन करके जो है वो जैसे अभी हमने कहा था कि इसके पीसेस बनाते जाएं तो मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ साइज़ के पीसेस आते जाएंगे। ये मैं इसको 3 डायमेंशन है, क्लासरूम में भी बताना बाज़ोकात तो इसको विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ। तो अगर फिर कोई कमी फिर भी रह जाती है तो फिर उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। तो आप इसको काटते चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाली सरफेस को, तो आपके सामने मुख्तलिफ साइज़ के जो है वो बनते चले जाते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन को उसने ये मुख्तलिफ प्लेन्स में आपको ये ड्रा करके उसने दिखाया है, पहले छोटा पैराबोला, बड़ा पैराबोला, फिर आगे जाते हैं छोटा होता जाता है, फिर बड़ा होता जाता है। इसी तरह से ये वाला पैराबोला भी इसी तरह से होता है, और इलिप्स की सॉरी हाइपरबोला के जैसे ही है इसकी। तो इनको वो कंबाइन करता है तो वो कहता है कि ये फिगर बनती है, ये उसके दो मुख्तलिफ व्यूज़ उसने दिए हैं। बहरहाल अब आगे एग्जांपल नंबर 6 है, और इसमें क्या है, ये उसी तरह से इक्वेशन दी हुई है, अगर आप वाई को फिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा, बाकी जो बचेगा वो हाइपरबोला है, तो जी एक्स प्लेन में हाइपरबोला आपको नज़र आएगा। ये जी एक्स प्लेन में आपको इस साइड से आप देखें जी एक्स प्लेन में, तो ये आपको कैसे नज़र आ रहा है, ये आपको हाइपरबोला नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन में देखते हैं, जी फिक्स कर दें, तो एक्स वाई प्लेन में ये आपको एलिप्स नज़र आ रही है, तो एक्स वाई प्लेन में आपको ये एक्स वाई प्लेन, ये कर्व सा नज़र आ रहा है आपको, ये कैसी हैं, ये एलिप्टिक हैं, और यानी एक दूसरे के ऊपर इलिप्सेस रखी हुई हैं। और अगर आप तीसरा किसको फिक्स करते हैं, इस वाले एक्स को फिक्स करते हैं, तो वाई जी प्लेन में भी ये आपको क्या नज़र दिखा रहा है, वाई जी प्लेन में भी ये आपको हाइपरबोला दिखा रहा है। ये आपके पास वाई जी प्लेन है, इस वाई जी प्लेन में भी यानी ये राउंडेड है ना, ये चूंकि ये राउंडेड है इसलिए दो साइड से आपको जो है वो हाइपरबोला नज़र आ रहा है। उसी तरह से जैसे इसमें ये आपको दो तरफ से पैराबोला नज़र आ रहा था और एक साइड से इलिप्स, उसी तरह से ये भी दो साइड से हाइपरबोला और एक साइड से इलिप्स, तो यही डिटेल लिखी हुई है। अब आगे इस टेबल में फंक्शन या इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में उसका ग्राफ दिया हुआ है और उसका जो है वो नाम भी दिया हुआ है, तो आपने ये फिर इसको अंडरस्टैंड करना है इसकी रोशनी में कि ये कैसे हैं, हमने ये जो अभी हमने पढ़ा है, तो इसको आपने क्या करना है, ये किताब खोल के
आपने इनके नाम देखने हैं कि इनके नाम क्या हैं, ये नाम लिखे हुए हैं हर एक चीज़ के, और इसकी जो है वो क्या करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और ट्रेसेस, ट्रेस से मुराद वो जो पीसेस बना रहे थे, ये आपने फाइंड आउट करने हैं कि कौन से प्लेन में या कौन सी एक वेरिएबल को फिक्स करें तो उसके जो पीसेस हैं वो किस तरह के बनते हैं। चलें, ये यहाँ तक काफ़ी है, और इससे मुतलका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने जो है वो क्या है करने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।